राम राम किसान भाइयों, हूँ अरविंद गौड़। आज ग्राम हरतली में आयल छे। यहाँ हमारे कृषक छे नहरू भाई, जो कि हमेशा वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करे खेती में। तो आज हम देखांगा कि वो किस तकनीक को उपयोग कर रहा है, क्योंकि अभी जो रवि को सीजन चली रहा, तो एकाम गेहूँ ने चना किसान भाई बोवाज, तो ओकाम काई वैज्ञानिक तकनीक को उपयोग करना चाहिए। एक ही जानकारी हम लेवांगा ना, जो नहरू भाई जो आज वे उपयोग कर रहा जो तकनीक का, वो आज हम देखांगा। राम राम नहरू भाई। तो नहरू भाई, आज आप कई काम करी रहे, आज कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करोगे? हमने चने करके तैयार किए, तो वाहन तैयारी कर ली। अच्छा, तो वही होने वाला ही छे। तो ओकाले ना आपने मतलब अंकुरण परीक्षण हाँ करेल जी, छे, हाँ है कि नहीं? हाँ, उन तो कसो काई करेल छे, आप हमको बताओगे? दिखाओ। देखो, चने का वो मतलब अंकुरित तैयार करे करियो मैं आज। अच्छा, तो नारू भाई हमको यो बताओ आप कि ये अंकुरण परीक्षण करना क्यों जरूरी छे, कहीं जरूरी छे? जरूरी तो है, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाता है कि बीज सही है कि नहीं, अच्छा, इसलिए भी वो अंकुरित करना जरूरी है। तो तुम यो पतो लगे लो कि एक आसी बोना लायक छे कि नहीं यो। हाँ, मालूम पड़ जाता अच्छा है अपने भी अच्छा कि कितना उगेगा कितना नहीं कितने होगा। नहीं, अच्छा, इसे जरूरी है अंकुरित बीज करना। तो यदि यह अंकुरण परीक्षण नहीं करा तो? नहीं करा तो मालूम नहीं पड़ेगा नहीं कि बीज अपना कितना सही है कितना नहीं है। करेंगे तो फायदे है, नहीं हो तो यूं बो देंगे तो आधा उगेगा आधा नहीं उगेगा। तो गन किसान आशा छे कि जो कि एको अंकुरण परीक्षण नहीं करता है, करना चाहेगा तो उन्हें फायदा है, नहीं करेगा तो उन्हें नुकसान भी तो है। तो नुकसान कसो का ही मतलब वो काम कम उगेगा बीज, कम हो गएगा। हाँ खेत खाली रहेगा, अभी अच्छा, पैदावार कम हुए होने की। तो नारू भाई हमको यो बताओ तुम कि जो अंकुरण परीक्षण कराए तो ओकाले में काई काई चीज ने लगाए जा पुण्य? चने का बीज लगता है, एक टाट लगे, टाट का टुकड़ो, और पानी चाहिए, और छायादार स्थान चाहिए। तो जैसो कि तुमने अभी बताया था कि छायादार स्थान होना, तो एको काई मतलब छायादार स्थान की जगह कभी हम वो धूप में कर लेवा तो? धूप में